क्लोज पैक्ट किया एंटरटेनमेंट डेस्क पर। भाई आज ये डेस्क थोड़ा अलग है, थोड़ा हटके है, थोड़ा खास है। क्यों? चलिए आपको बताते हैं। क्योंकि आज हम अपने इस डेस्क में बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड की उन जोड़ियों के बारे में जिन्होंने एक समय पे एक दूसरे को डेट किया, दोनों ही ने ही एक समय पे एक दूसरे को बहुत प्यार किया, लेकिन आज के समय में एक दूसरे की शक्ल भी देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर स्क्रीन पे काम करने का मौका मिले तो रोमांस भी इनका परवान चढ़ के बोलता है। तो चलिए आपको बताते हैं उन खास जोड़ियों के बारे में जिन्होंने रियल लाइफ में तो एक दूसरे को देखना बिल्कुल नहीं भाया, लेकिन ऑन स्क्रीन उनका रोमांस बड़ा चलता है। बॉलीवुड ने सुपरहिट फिल्मों के साथ साथ कई मशहूर जोड़ियां भी दी हैं। इन्हें दर्शकों ने खूब पसंद किया है, खूब प्यार दिया है। इनमें से तो कई की केमिस्ट्री रियल लाइफ में भी सुर्खियों में बनी रही है, वहीं कुछ जोड़ियां ऐसी भी रही हैं जिन्होंने पर्दे पर तो खूब वाहवाही बटोरी, लेकिन जब सामने या ये कहें कि असल जिंदगी में एक दूसरे के सामने आए तो उन्हें एक दूसरे से बातचीत करना तक पसंद नहीं है। आज हम आपको उन्हीं सितारों से वाकिफ करेंगे जो इस लिस्ट में आते हैं। भाई सबसे पहले हमारी लिस्ट में आते हैं एक खास जोड़ी, 90 के दशक की सुपरहिट जोड़ी आमिर खान और जूही चावला की रही है। इन्होंने एक साथ कई फिल्मों में काम किया है, लेकिन 1988 में आई कयामत से कयामत तक में इन दोनों को दर्शकों ने खूब पसंद किया, खूब प्यार दिया। आपको जानकर शायद यकीन ना हो, लेकिन बड़े पर्दे पर इतनी सफल फिल्म देने के बाद दोनों सितारे सालों के बाद आपस में बातचीत करना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। कहा जाता है कि 1997 में आई फिल्म इश्क के सेट पर इन दोनों की आपस में बहस हो गई। इसके बाद निजी जीवन में तो इन्होंने एक दूसरे से बिल्कुल ही दूरी बना ली, हालांकि इसका असर अपने काम पर इन्होंने बिल्कुल भी पड़ने नहीं दिया। 2005 में आई फिल्म बंटी और बबली किसको याद नहीं होगी, लेकिन इसके लीड एक्टर अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी के बीच कुछ ऐसा ही रिश्ता देखने को मिला। बताया जाता है कि पहले दोनों एक दूसरे को खूब पसंद करते थे, एक दूसरे को डेट कर रहे थे, जबकि ये तक बातें कही गई थी कि भाई जल्द ही ये दोनों शादी के बंधन में भी बन जाएंगे। जया बच्चन ने बहुत बार स्टेज पर इन्हें अपनी बहू के रूप में भी कहा है, लेकिन ऐश्वर्या राय के आने के बाद इनके बीच दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई। बॉलीवुड खबरों के अनुसार फिल्म लागा चुनरी में दाग के दौरान दोनों के बीच काफ़ी खटास आ गई थी और सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। फिल्म तो फ्लॉप हो गई, लेकिन इनके रिश्ते ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थी। करीना कपूर और शाहिद कपूर की केमिस्ट्री को आज के टाइम में कौन ही भूल पाया है। एक समय में ऐसा कोई अखबार या फिर टीवी चैनल नहीं रहा जहां इनके प्यार की चर्चाएं ना हुई हों। दर्शक इनकी जोड़ी को तहे दिल से पसंद करते थे, प्यार देते थे और पर्दे पे एक साथ हमेशा इन दोनों की जोड़ी देखना चाहते थे। दोनों ने फिदा, छुप छुप के, 36 चाइना टाउन, मिलेंगे मिलेंगे और जब वी मेट जैसी बड़ी पिक्चरें की। जब वे मेट में तो इनकी जोड़ी ने धमाल ही मचा दिया, लोगों ने फिल्म को बहुत ज़्यादा पसंद किया और आज के समय में भी जब वे मेट को अक्सर याद किया जाता है। फैंस में फिल्म को लेके, इन दोनों की जोड़ी को लेके काफ़ी क्रेज़ था, लेकिन मानो इनकी जोड़ी को भी नज़र लग गई हो और जब वे मेट के बाद ही ये दोनों अलग हो गए। अब ये एक दूसरे से बिल्कुल दूर दूर रहते हैं, दोनों ने एक दूसरे से बिल्कुल दूरी बना दी है। वजह यहाँ पे सैफ अली खान बताई जाती है। भाई करीना कपूर की सैफ अली खान से नज़दीकियाँ बढ़ गई, जिस वजह से उन्होंने हमारे शाहिद कपूर को, या ये कहें कि हमारे चॉकलेटी बॉय को छोड़ दिया। अपने विवादित बयानों से खबरों में बनी रहने वाली अक्सर कंगना रनौत का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है। एक समय था जब कंगना और अध्ययन सुमन एक दूसरे को डेट करने लग गए थे। कहते हैं राज 2 की शूटिंग के दौरान दोनों की नज़दीकियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गईं, लेकिन प्यार परवान चढ़ते ही इनका रिश्ता धड़ाम से नीचे गिर गया। फिल्म के प्रमोशन तक पहुँचते पहुँचते हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि दोनों को एक दूसरे की शक्ल देखना भी गवारा नहीं था। उस वक्त तो ज़्यादा कुछ खुलासा नहीं हुआ, लेकिन बाद में दोनों ने एक दूसरे के ऊपर काफ़ी गंभीरता से आरोप लगाए और दूसरों को एक दूसरे को खूब गालियाँ दी। खैर अब बात करते हैं बॉलीवुड की फैशनिस्टा सोनम कपूर की। 2013 में अभय देओल के साथ आई उनकी सुपरहिट फिल्म रांझणा। भाई रांझणा लोगों ने बहुत पसंद किया, यहाँ तक कि सोनम कपूर ने बहुत सारे इंटरव्यूज में ये तक कह दिया था कि रांझणा सिर्फ उनकी वजह से चली थी। भाई सोनम ये क्या बात हुई। खैर इस फिल्म से इन दोनों की जो नज़दीकियाँ हैं वो ज़्यादा तो बढ़ती हुई नज़र नहीं आई। फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री को लोगों ने काफ़ी पसंद किया, लेकिन उसके बाद बात दोनों के बीच कुछ खास बन नहीं पाई। उनका रिश्ता भी कुछ खास इसी तरह
रह गया कि दोनों ने एक दूसरे को आज के समय में देखना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, दोनों दूरी बनाते रहते हैं और अक्सर जब इन दोनों से इनके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो दोनों अवॉइड ही करते हुए नजर आते हैं। खैर, अब आपको इन जोड़ियों के बारे में क्या कहना है और आपके नज़र में ऐसी कौन सी जोड़ी है कि भाई जिसमें आपको लगता है कि इनका पहला रिलेशनशिप चल रहा था और अब ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल नहीं देखना चाहते हैं, हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही मैं आपको याद दिला दूं कि वायरल वर्सेस फैक्ट का क्विज कॉन्टेस्ट चल रहा है, क्विज के बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके आसानी से मिल जाएगी। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें और अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और हमारे लेटेस्ट अपडेट के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि भाई और लोगों को शेयर करेंगे तो हमारे लेटेस्ट जल्दी जल्दी आपको मिलेंगे। धन्यवाद।